हाथरस में मौत का तांडव हुआ जिसमें 121 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हुए। राहुल गांधी ने पीड़ितों से मुलाकात की और मदद का भरोसा जताया है। राहुल गांधी से मिलकर पीड़ित परिवारों ने अपना अनुभव साझा किया है। इस दौरान पीड़ित परिवारों ने क्या कुछ कहा है, सुनिए। राहुल गांधी ने कुछ आप लोगों को ढांढस बंधाया, क्या बोले, क्या बात कह रहे थे? आपकी शायद करेंगे मेरी माँ चली गई, मेरे भैया भी चलेगा, मरा नहीं जाना, ऐसा लगता है कहीं जाके मर जाओ, मेरा जाना था, मेरे घर खाली हो गया। अभी तक की जो जांच हुई है, जो लोग गिरफ्तार हुए हैं, उससे आपको कुछ उम्मीद है कि इंसाफ मिल पाएगा आपको? ना नहीं, मतलब मरे इंसाफ दिया है, इसने कुछ किया है उसका इंसाफ दिया है। उन्होंने प्रेम से फैमिली को समझाया और यही कह रहे थे, हम सरकार के द्वारा अपने आप की पूरी मदद करेंगे फैमिली की, यही कह रहे थे। किस तरह की मदद आप चाहते थे? पूछताछ कर रहे थे, अभी तो कोई कुछ हुआ तो बताया था कि 2 लाख रुपए के लिए बोल रहे थे, तो हम इसका 2 लाख हो या 4 लाख हम क्या करेंगे, जब हमारा भतीजा मेरी बाप ही नहीं रहे, हम पैसे से क्या, हम तो खुद मेहनत करके खा लेते। आपने चाहते हैं कि भविष्य में किसी के साथ ना हो, किसी का बच्चा किसी के माँ से ना जाए, आप क्या कहना चाहेंगे इस तरह के कार्यक्रम में? मैं तो यही चाहूँगी, जब वहाँ सत्संग में जाने के बाद मेरा परिवार उधर गया तो मुझे कोई विश्वास नहीं है अब किसी बाबा पे। अगर वो भक्तों के लिए इतना सोचते तो इनकी जान नहीं आती। ये कहूँगा इनके लिए बहुत दुखदार हुआ है, बहुत दुख हुआ है सरकार के, इनसे ये करते हैं कि इनकी मदद हो। और राहुल गांधी ने क्या कहा आप लोगों से, आप लोगों? उन्होंने इनके लिए सहायता दी है कि जो भी हमसे बनेगा हम आपके लिए कुछ करेंगे। क्या मांग चाहेंगे? जो उनका घर परिवार पूरा मिट गया उनसे क्या मांगे, जो मिल जाए वो ठीक है सरकार की तरफ से। अभी नहीं मिला है। हाँ, जांच होने के बाद में जो गुनाह है उसमें गुनहगार को कार्रवाई होनी चाहिए उसके खिलाफ। और जो मृतक है मेरी माताजी शांति देवी, राहुल जी आए थे, उन्होंने हमसे बोला था और हमारा हालचाल जाना, उन्होंने परेशानी पूछी कि कैसे घटना हुई, किस तरीके से, कौन जिम्मेदार है और आप किसे जिम्मेदार ठहराना चाहते हैं। तो देखिए, हमने जो राहुल जी को बोला था, मैंने कहा सर आप पहले तो आप जो आए हैं उसका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, इस दुख की घड़ी में आपने हमारा साथ दिया। तो बोल रहे कि आप मुझे बताइए और मैं आपका मुद्दा जो है संसद में जरूर उठाऊंगा। तो इसमें जो है राहुल गांधी जो है सहायता के लिए बोल गए, गवर्नमेंट से भी और अपनी तरफ से भी कह रहे थे कि जो भी होगा कराएंगे।